नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस YouTube चैनल पर एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के पहले एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बिहार के पहले एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। चार पैकेज में बनने वाले इस एक्सप्रेसवे के दो पैकेज का टेंडर पूरा हो गया है। सबसे कम बोली लगाने वाली एजेंसी का चयन भी कर लिया गया है। अब कागजी प्रक्रिया पूरी कर एजेंसी दो माह के अंदर निर्माण कार्य शुरू करेगी। जिस पैकेज का टेंडर हो गया है उसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतमाला परियोजना के तहत आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे पर काम हो रहा है। इस एक्सप्रेसवे के दो पैकेज की मंजूरी हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय ने दी है। औरंगाबाद से जयनगर तक बन रहे इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत औरंगाबाद के मदनपुर से हो रही है। यह सड़क 4 लेन होगी। गया एयरपोर्ट के बगल से होते हुए जीटी रोड को भी इस सड़क से संपर्कता प्रदान होगी। गया से यह सड़क जहानाबाद और नालंदा के बॉर्डर से गुजरते हुए पटना में कच्ची दरगाह में मिलेगी। यहाँ से बिदुपुर के बीच बन रहे 6 लेन पुल से चक सिकंदर महुआ के पूरब होते हुए ताजपुर जाएगी। वहाँ से दरभंगा एयरपोर्ट के समीप से गुजरते हुए जयनगर में समाप्त होगी। औरंगाबाद से जयनगर तक की यह कुल सड़क 271 किलोमीटर लंबी होगी। यह सड़क पटना सहित प्रदेश के 6 जिलों से होकर गुजरेगी। इस सड़क के बनने से पटना का गया और दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा संपर्क हो जाएगा। उत्तर व दक्षिण बिहार के बीच सीधी संपर्कता होगी। कच्ची दरगाह बिदुपुर के बीच बन रहे पुल के माध्यम से यह सड़क वैशाली में प्रवेश करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे बख्तियारपुर ताजपुर पुल को ताजपुर तक जोड़ने को कहा है। ऐसे में इस सड़क की उपयोगिता और बढ़ जाएगी। वैशाली से समस्तीपुर व दरभंगा होते हुए नेपाल सीमा पर जाकर जयनगर में यह सड़क खत्म होगी। इस तरह 4 लेन बनने वाली यह सड़क पटना के अलावा औरंगाबाद, जहानाबाद, वैशाली व मधुबनी से होकर गुजरेगी। NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी सदरे आलम ने कहा है कि आमस दरभंगा के दो पैकेज का टेंडर हो गया है। एजेंसी की ओर से कागजी कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है कि 2 महीने के भीतर इस एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही अन्य एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, रिंग रोड प्रोजेक्ट और अन्य परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।